पानी गर्म कर लिया है मैंने, अब इसमें डाल देंगे धुले हुए पालक जिनको मैंने काट लिया है। यहाँ पर मैंने आधा लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। अब पालक को इसमें 2 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, जब तक के पालक सॉफ्ट हो जाए। पालक पूरी तरह से कुक हो गए हैं, अब इसको गर्म पानी से ऐसे छान के निकाल लेंगे और इसे सीधा डाल देंगे बर्फ वाले पानी में। अब पालक को ठंडे पानी से निकालेंगे और इसको सीधा मिक्सिंग जार में डाल देंगे। साथ में कुछ मसाला डालेंगे, जैसे कि 3 ग्रीन चिली मैं डाल रही हूँ, लहसुन की कलियाँ 4 और 1 इंच अदरक को जिनको मैंने छोटे टुकड़े कर लिया है। अब इसको बहुत बारीक तरह से पीस लेनी है। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है, अब इसमें पनीर को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम फ्रेश पनीर का इस्तेमाल किया है। पनीर फ्राई हो गए हैं, अब इसी तेल में ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, इलायची और 1 तेज़पत्ता। साथ में डालेंगे कटे हुए प्याज। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज का प्याज को ऐसे बारीक काट लिया है। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद जीरे का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, जो कि तीखे वाले लाल मिर्च हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें। इससे मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें डालेंगे टमाटो का पेस्ट, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और जब तक कि ना मसाले में से तेल छोड़ना चालू हो जाए तब तक इसे भूनते रहेंगे। अब इसमें डाल देंगे पालक का पेस्ट। और इसे भी मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। और इस स्टेज में थोड़ी सी नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही खुला कुक कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे पनीर जिनको मैंने फ्राई करके रखा है और साथ में डाल देंगे 1 कप पानी। अब पनीर को इसमें अच्छे से मिक्स कर दें और इसे ढक्कन लगाकर तब तक कुक कर ले जब तक कि ना ग्रेवी थिक हो जाए। ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी का पाउडर
और साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून शाही गरम मसाला। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ढककर 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। पालक पनीर तैयार हो गए हैं, अब ऊपर से डाल देंगे बटर। तो ये लीजिए, तैयार हो गई है पालक पनीर। मैंने ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम से गार्निश कर दिया है। तो घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी होते हैं। और मेरी रेसिपीज आपको पसंद आते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।